beautiful. मेरी खूबसूरती मेरी ताकत थी, लेकिन कब कमजोरी बन गई पता ही नहीं चला। इश्क, प्यार, प्रेम, सब के सब ढाई अक्षर के शब्द। क्या यही कारण है कि किसी दो लोगों की कहानी को पूरा करने के लिए किसी तीसरे को हमेशा अधूरा रहना पड़ता है? ये अधूरापन ही तो है जो हमें ये एहसास दिलाता है कि हर मीठी मुस्कुराहट के पीछे आंसू का नमक छुपा, हर कड़वी बात के पीछे बुरी यादों से टूटा दिल। शायद यही वजह है कि अक्सर हम अपने अधूरेपन को पूरा करने के लिए इश्क का दामन थामना चाहते हैं, जिंदगी के खाली पन्ने को भरना चाहते हैं, अपनी अधूरी कहानी को पूरा करना चाहते हैं। ऐसी ही कहानी है शाइना की, वो कहानी जिसके आईने में शायद आपको अपनी जिंदगी का अक्स नजर आए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए हैं, कॉन्फ्रेंस रूम में आपका वेट कर रहे हैं। मैम, वो जो आपने नए प्रोडक्ट के बारे में पता लगाने को कहा था, तो मैंने पता लगाया। कब बताओगी? प्रमोशन मिलने के बाद जिसके चांसेस जीरो हैं। वेल, द डायरेक्टर्स हैव रिजेक्टेड योर सजेशन एंड द प्रोडक्ट एज वेल बिकॉज़ आई एम अ वुमन। यही सजेशंस अगर किसी मर्द ने दिए होते तो अभी तक एक्सेप्ट कर चुके होते और शाम को उसके साथ स्कॉच ऑन द रॉक्स पी रहे होते। मुझे मेकअप करते हुए देखने से तुम मेरी जैसी बन नहीं जाओगी। और कोई काम नहीं है क्या तुम्हें? एक काम करते हैं, मेरा सामान उठा और मेरे कैबिन में रख दो, तुम्हारी हैसियत इतनी ही है। लड़ी आना कोंडा, हमें दो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं और अपनी एग्जिस्टिंग रेंज में ऐड करने हैं। टू बिगिन विद, अ फाउंडेशन, ये लिपस्टिक है और ये नए हैं। फिलहाल इन्हें लिपस्टिक और फाउंडेशन के बीच क्या फर्क नहीं मालूम, बट दैट्स ऑलराइट, मैं सिखा दूंगी। सॉरी मैम। एनीवेज, कमिंग बैक टू आवर फाउंडेशन, इसका एसपीएफ है 25 और इसका यूएसपी है इसका एज डिफाइंग सीरम, व्हिच मींस इट नॉट ओनली इवन्स योर स्किन टोन एंड टेक्स केयर ऑफ योर टैन, बट आल्सो 30 इयर्स के बाद ये आपके रिंकल्स को आने से रोकता है, कंट्रोल करता है। इनफैक्ट मैंने इस प्रोडक्ट का स्लोगन भी सोच लिया है, लव इज अ वुमन्स बेस्ट मेकअप एंड ब्लेंडन कॉस्मेटिक्स आर मेड विद लव। Gentlemen, I think this product is going to be a huge success. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Bye-bye. Congratulations. Thank you. Bye. Thank you so much. Bye-bye. Yes, absolutely. Thank you. Bye-bye. Frankly, Shai, हम लोगों ने decide किया था कि हम तुम्हारे नए idea को reject कर देंगे, लेकिन तुमने हमेशा की तरह हमें कन्विंस कर ही दिया। कांग्रेस। थैंक यू। शाम को पार्टी में मिलते हैं। डेफिनेटली। लेट्स सेलिब्रेट। या। मैम, इट वाज सुपर माइंड ब्लास्टिंग। इट्स माय ऑफिस, द एंटायर टीम। वेयर द हेल इज अरविंद? इतनी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन और तुम लोग मुझे इस प्रेशर के भरोसे छोड़ दो जिसको जीरो एक्सपीरियंस है। जीरो। रिडिकुलस। हेलो मैम, 15 मिनट में मेरे ऑफिस में। मुझे मलेरिया। 15 मिनट्स, डू यू गेट इट? मैं बेड पर से खड़ा भी नहीं हो सकता। ईमेल कर सकते हो? यस मैम। अभी के अभी अपना रेजिग्नेशन मुझे ईमेल करो, डू यू गेट इट? एंड आप लोग गेट लॉस्ट। सॉरी मैम। सॉरी मैम। गेट लॉस्ट।
देख देख कितने प्यार से सबसे मिल रही भाई। दिल्ली की ठंड से ठंडी है लेकिन गर्मी से गर्म है यार। कोई गर्म नहीं है, एक नंबर की नौटंकी है। अबे नौटंकी नहीं, ये आर्ट है, आर्ट जो हम जैसे लोगों को नहीं आता। तभी तो नोबडी से संबडी बन गई है वो। ये सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक्स्ट्रा प्यार और ट्रस्ट का नतीजा है। सही कह रहा है, देख देख कैसे मिल गए सब लोगों को। Thank you. Hello, ma'am. Good evening. Ashby? Yeah, ma'am. Is that your wife? Yeah, ma'am. She's my wife, Ranjita. Ranjita, China, ma'am. Sir, madam. I, Ranjita, Rajvi's wife. How you do? Sorry, ma'am. That's okay. Sorry, ma'am. I'm fine. Not a problem. Madam, it's okay. She's my boss. It's your call. Are you okay? और आपका ये ग्लास क्यों खाली है? सारा नशा उतर गया, टेंशन हो गई है। टेंशन का नाम? रजत अरोरा, हमारा फाइनेंसर। मार्केट से पता चला है कि वो हमारे बजाय हमारी राइवल कंपनी रेडिसन कॉस्मेटिक को फाइनेंस कर रहा है। अच्छा। अगर ऐसा हो गया तो हमें करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। रजत के पास पैसा भी है और पावर भी। आप ये क्यों बोल रहे हैं कि आपको टेंशन हो गई? आप टेंशन को बोलिए, आपके पास साइना सबरवाल है। हाँ? वैसे आपकी टेंशन है कहाँ? रजत। ओह। चिल्स एंड रिलैक्स। एक्सक्यूज मी। यस। आपके 2 मिनट ले सकती हूँ मैं? 2 मिनट क्यों? पूरी रात मिल सकती हूँ। आई लाइक योर सेंस ऑफ ह्यूमर। आपको बोला था ना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कल सुबह रजत अरोरा का चेक हमारे ऑफिस पहुंच जाएगा। हैव अ गुड नाइट स्लीप सर। या थैंक यू, गुड नाइट। अरे अंशु, आप अभी तक सोए नहीं? क्या हो रहा है शायना? क्या कर रही हो अपनी जिंदगी के साथ? क्या ये सब रात रात भर पार्टी, पता नहीं किस किस के साथ दारू पीना? अगर तुम्हारे मम्मी पापा जिंदा होते तो जानते हो उन्हें कितनी तकलीफ होती आज? जिंदा होते तो ना, जब वो इस दुनिया में है ही नहीं तो उनके बारे में बात करके क्या फायदा? प्लीज चाइना, ये जो तुम्हारी ऑफिस की भाषा है ना, फायदा नुकसान ये सब अपने ऑफिस में छोड़कर आया करो, घर में लाने की कोई जरूरत नहीं। अपनी इस भाषा को भी और अपने वो दोस्तों को भी। आज हॉल तक आ गए, कल को बैठ। चाइना, चाइना एक अच्छा सा लड़का क्यों नहीं ढूंढ लेती हो? शादी कर लो। अच्छा सा लड़का? शादी की थी ना मैंने, घर भी बसाया था। क्या हुआ? आपको तो सब मालूम है। इश्क ने हंसाया, इश्क ने रुलाया, इश्क बेवफा है, इश्क ही रजा है, इश्क ही है जन्नत, इश्क सारी कुदरत, इश्क रास्ता है, इश्क दास्ता। कहते हैं कि आईना हमें हमारी असली सूरत और सीरत दिखाता है, लेकिन ये शाइना का आईना है। ये वही दिखाता है जो शाइना चाहती है। मेरी रूह पर लगे जख्म दुनिया वालों को कभी नहीं दिखाएंगे ये आईना, क्योंकि उन्हें दुनिया वालों की नजरों से छुपाना सीख लिया था मैंने, हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हें आते कितनी बार बोला कि मुझ पे शक मत किया करो, और तुम बार बार शक करते हो। मेरे एक्स हस्बैंड ने मुझे कोई खुशी तो नहीं दी, लेकिन एक लेसन जरूर सिखाया, यही कि एक आदमी की फितरत कुत्ते जैसी होती है। कुत्ते को एक हड्डी दो तो कुछ देर के लिए खुश, उससे खेलेंगे टटोलेंगे और फिर बस बोर होकर उस हड्डी को छोड़ देंगे। लेकिन वो हड्डी अगर उस कुत्ते से लेने की कोशिश करो तो वो फिर से जताएंगे कि ये उसी की प्रॉपर्टी है।
गुड मॉर्निंग होगी तुम्हारे घर पे. इट्स अ वेरी बैड मॉर्निंग. एंड वेयर द हेल इज एवरीबॉडी? मुझे एक चीज बताओ, मेरे कंप्यूटर का हार्ड ड्राइव क्रैश कैसे हुआ? 9:30 बजे मेरी क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है. व्हाट एम आई सपोज टू टेल देम? एग्जैक्टली कि मेरे ऑफिस के सारे कंप्यूटर इंजीनियर्स डफर्स हैं और उनको कुछ नहीं आता है ना? तुमको जरा सा भी आइडिया है कि अगर ये डील नहीं होती तो कंपनी को कितने करोड़ों का लॉस होगा? सॉरी मैम. व्हाट डू यू वांट? इतनी जल्दी ऑफिस में क्या कर रहे हो तुम? मैं तो रोज इसी टाइम आ जाता हूँ मैम. क्या हुआ मैम? माय कंप्यूटर हार्ड ड्राइव क्रैश्ड. मैम अगर आप मुझे एक्सप्लेन करेंगी कि कौन से पॉइंट कवर करने हैं तो मैं रेडी कर लूंगा मैम प्रेजेंटेशन. क्या बात है, तुम मेरी हेल्प करोगे? मैम वी आर अ टीम मैम. आप प्लीज मुझे बताइए कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है मैम. मेरे पास सब डाटा है मैम. प्लीज मैम बस रेडी कर लूंगा मैम. यू हैव 45 मिनट्स. 40 मिनट्स बहुत है मैम मेरे. गुड फॉर यू. Mr. Warren. Good morning. How are you? Please be seated. Ma'am. Pleasure. Shaina, अगर मिस्टर वार्नर हमारी आज की प्रेजेंटेशन से इंप्रेस हो गए तो हमारी कंपनी का नाम ग्लोबल मार्केट में आ जाएगा. टेक केयर. शाइना प्रेजेंटेशन शुरू करें. Let's start. Blend in foundation नहीं तो मैं नहीं. Cut it. Perfect, perfect. Cut it. It's not a perfect shot at all. Listen, director तो मैं हूँ. Who are you? Do you want me to tell you who बोलो. I am? Really? Yes. Really? Sir, आप इधर आइए, please. अरे क्या कर रहे हो यार आप? वाइस प्रेसिडेंट है हमारी कंपनी की मिस शाइना सबरवाल. Oh, yeah? और सब जितने भी प्रोडक्ट हैं सब इनके बनाए हुए हैं. मेरे साथ साथ ना आपकी नौकरी भी जाएगी. प्लीज मैनेज कर लीजिए ना. आइए प्लीज. आई एम रियली सॉरी. आई विल टेक केयर ऑफ दैट. इट्स ऑलराइट. थैंक यू सर. नेक्स्ट शॉट. डोंट वरी मैम अब सब ठीक है. चलो भाई. मेरे कल की सारी मीटिंग्स फिक्स थी. या मैम लास्ट टाइम जो हमने एड शूट किया था ना उसकी भी एक्सेल शीट आ गई है. जस्ट हैव अ लुक. ओ सॉरी मैम. सॉरी मैम. देखा नहीं मैम. इट्स ओके. टेबल पे. इट्स ओके. सॉरी मैम. इट्स ओके. रिलैक्स. प्लीज. पता नहीं मैम. अरे पता नहीं है तो पता करो ना. गाड़ी मैं चलाती हूँ कि आप? और अभी थोड़े टाइम पहले गाड़ी सर्विसिंग के लिए दी थी. इतनी जल्दी खराब कैसे हो सकती है? वसंत यार बैठ जाइए. क्या हुआ? गाड़ी क्यों रुकी? अरे मैडम थोड़ा साइड से दो. एक्सक्यूज मी. कैसे अंदर चले आ रहे? उतरिए. क्या बोल क्या रहे हैं? दरवाजा खोलो तो बूढ़े हो जाते हैं. क्या कर रहे हो तुम लोग? चिल्लाओ. मैं बोल रहा हूँ बाहर जो ठंडी कितनी है. पुलिस में कंप्लेंट करोगे तुम लोगों की? छोड़ो. कंप्लेंट करोगे आप पुलिस में? कंप्लेंट.
छोड़ो। अबे छोड़ इसको। क्यों बहन लगती दे रही? हाँ अबे रणा छोड़ इसको, हीरो बनेगा तू। अभी भी बोल रहा हूँ छोड़ दो उसको। पुलिस को भी बुला लिया है मैंने, आने वाली है। अरे यार जल्दी चलो यार। अबे इस मुझे बस बाहर फेंक। चल ओके। It's okay, ma'am. Thank you. Rajbir. Oh, good morning, ma'am. आप इतना सुबह सुबह कैसे हो? मुझे पता है तुम ऑफिस जल्दी आते हो, इसलिए I just wanted to say thank you. अरे नहीं नहीं मैम, इसकी क्या जरूरत है। मेरी जगह कोई दूसरा होता तो शायद वो भी यही करता जो मैंने किया। लेकिन किया तो तुमने ना, so thank you. Now get back to work. चलिए आपको घर छोड़ देता हूँ। राजवीर इट्स ओके, आई हैव माय कार। मैम इट्स टू लेट, और मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूँ। आप एक काम कीजिए, आप आगे आगे चलिए, मैं पीछे पीछे आता हूँ, आपको फॉलो करता हूँ बाइक पर। राजवीर इसकी कोई जरूरत है? जरूरत है, चले मैम। अच्छा मैम चलता हूँ मैं, इससे ज्यादा अंदर तक फॉलो नहीं करूंगा। हाँ वैसे भी तुम्हारी बाइक इससे ज्यादा अंदर तो जाएगी नहीं यार। तो मैम चलूं मैं, नहीं तो आज भूखे पेट ही सोना पड़ेगा मुझे। भूखे पेट क्यों? वो मेरी बीवी घर नहीं है तो होटल जाऊंगा, पार्सल करवाऊंगा, और वैसे भी इट्स 11:45 तो सब होटल्स बंद हो जाएंगे। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया, मेरे घर चलो साथ में डिनर करें। अरे नहीं नहीं मैम इट्स ओके फाइन, आई विल मैनेज। चलो मैम, इसकी क्या इसकी जरूरत है? कम कम ऑन। ओके मैम फाइन। और मुझे बहुत भूख लगी। अंशुदी सो गए लगता है। मैम अंशुदी कौन है? मेरे मॉम डैड के बाद उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। फ्रिज में जरूर कुछ होगा, चेक करें। अरे हाँ मैम 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 आप बैठिए बैठिए, मैं चेक करता हूँ। बट मैं हेल्प करती हूँ। अरे नहीं 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 आप बैठिए मैम। अरे कम ऑन ना, हेल्प। आप थक गई होंगी सारा दिन काम करके, अब बैठिए। कम 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 मैं देखता हूँ। मैम दाल है लेकिन रोटी नहीं है। अच्छा मैम आटा कहाँ रखा है? आटा ढूंढना। आप बैठो बैठो बैठो, मैं देखता हूँ ना, बैठो। अभी नहीं है।
मैम मिल गया, अभी बना देता हूँ। तुम्हें रोटी बनानी आती है? हाँ हाँ, आपकी प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ तो रोटी क्या चीज है। मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। मैम मैम प्लीज प्लीज आप बैठिए ना। वेट प्लीज मैम, मैं करती हूँ ना। इश्क ही तड़प है, इश्क बेकरारी, इश्क ही नशा है, इश्क ही खुमारी, इश्क ही बेचैनी, इश्क ही सुकून है, इश्क ही सबर है, इश्क ही जुनून है, इश्क ही है दूरी, इश्क ही है गुर्बत, इश्क ही जहन्नुम, इश्क ही है जन्नत, इश्क ही है पर्दा, इश्क ही झलक है, इश्क ही समी है, इश्क ही फलक। ये गलत है। गलत है तो गलत लग क्यों नहीं रहा? आपने जो रोज कॉस्मेटिक की फाइल मांगी थी वो आ गई। कौन सी रोज कॉस्मेटिक? मैंने ऐसी कोई फाइल नहीं मंगाई। मैं मांगी थी आपने। इश्क आवारा है, इश्क बंजारा है, इश्क दीवाना है, इश्क बेघर बैठ काना, इश्क जल जाना है, बुझ जाना है, इश्क बेताबी और इश्क आहों का फसाना, इश्क मैं जिंदगी के ऐसे मुकाम पर थी कि मैं जिसे चाहती उसे अपना बना सकती थी। शहर के बड़े से बड़े अमीर और पावरफुल लोग मेरे इशारों पर चलने को तैयार थे, लेकिन मेरा मन सिर्फ एक ही इंसान की तरफ इशारा कर रहा था। पता ही नहीं चला कि कब राजवीर से प्यार हो गया, लेकिन इतना ज़रूर पता था कि क्यों हुआ। क्योंकि राजवीर बहुत अच्छा इंसान था, मुझे हमेशा खुश देखना चाहता था, मेरा ख्याल रखता था और शायद मुझसे भी ज़्यादा मुझसे प्यार करता था। राजवीर की वजह से मेरी ज़िंदगी का पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज होने लगा था। गुड मॉर्निंग बेबी। मॉर्निंग बेबी। सुबह हो गई। ब्रेकफास्ट नहीं करना। मुझे सोना है। थैंक यू। खाना बहुत अच्छा था। लेट मी गेस, किसने बनाया होगा? अंशु दी आपने? अरे कैसे गेस किया? माँ के हाथों का बहुत खाया है, टेस्ट पहचानता हूँ। अच्छा अंशु दी, एक बात बताओ, जब ये छोटी थी तब आपकी बात मानती थी? छोटी थी तब नहीं मानती थी।
गुस्सा बहुत करती थी लेकिन। क्या बात कर रहे हो तब भी? राजवीर सीरियसली बस करो, मैडम का गुस्सा देख के लग रहा है कि आज मुझे मार पड़ेगी। अरे नहीं नहीं मैं हूँ ना, तू डर मत बिल्कुल भी। अरे मैं उठा लूंगा। अंशु दी लाड प्यार करके हमारी मैडम को बिगाड़ी है, मुझे नहीं। शायना पहली बार किसी अच्छे लड़के को घर लाई हो, छोड़ना मत इसे। अंशु दी के शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे, इसे छोड़ना मत। छोड़ना तो मैं भी नहीं चाहती थी राजवीर को, लेकिन क्या हक था मेरा उस पर? After all, he was married. उसकी वाइफ भले ही सिंपल और ओल्ड फैशन थी, मगर थी तो अब उसका भी कोई रास्ता निकालना ही था मुझे। Thanks यार, ले चाय। वैसे क्या बात है, आज मैडम नहीं आई? पता? आ गए। गुड मॉर्निंग राजवीर। या मैम। सी यू इन माय ऑफिस। या यार, ये शाइना मैडम से शाइना भेंजी कैसी हो गई? मुझे क्या पता। राजवीर कैसी लग रही? वेरी प्रीटी। टिपिकल मेल की तरह मत बिहेव किया करो, कभी कभी मेरी तारीफ भी कर लिया करो। आज पहली बार मैंने साड़ी पहनी है सिर्फ तुम्हारे लिए। बताओ कैसी लग रही हो? Very pretty. जैसे तुम हमेशा दिखती हो। हमेशा की तरह? Don't force yourself. It's okay. I understand. अच्छे लगने का हक तो सिर्फ तुम्हारी बीवी को है ना। राजवीर हमारे रिश्ते का कोई नाम नहीं है, और जिन रिश्तों का कोई नाम नहीं होता वो बदनाम होते हैं, इसलिए मुझे लगता है हमें तुम्हारी बीवी को सब कुछ बता देना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये मुझसे नहीं, मैं तकलीफ में नहीं दे सकता। I don't know. राजवीर राजवीर कई बार ऐसा होता है कि हकीकत सामने होती है, फिर भी हम उसे अनदेखा कर देते हैं। पता होता है कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वहां पर हमें हमारी मंजिल कभी नहीं मिलेगी, फिर भी हमारा दिमाग हमारे दिल के हाथों मजबूर हो चुका होता है। मैं भी राजवीर के प्यार में मजबूर हो गई थी, हमारे बेनाम रिश्ते में बदनाम होने को राजी हो गई थी। राजवीर हसन कम? नहीं मैम, आज नहीं आया। भई ये रोज रोज राजवीर के बारे में पूछने क्यों आती है? ब्रेकअप हो गया लगता है। चलो चलो काम करो नहीं तो फिर से आ जाएगी। बस करो, कब तक इस तरह से पीती रहोगी और ऐसे रोती रहोगी? खुद को इस तरह तकलीफ देने से राजवीर वापस नहीं आ जाएगा, समझी? नमस्ते शहना जी, मैं राजवीर की पत्नी रंजीता। हम पहले भी मिल चुके हैं, शायद आपको याद नहीं होगा। मुझे आपके और राजवीर के बारे में सब पता चल चुका, पर अभी आप प्लीज मेरे साथ चलिए। देखो रंजीता, मेरे और राजवीर के बीच में शायना जी इस वक्त बात करने का बिल्कुल समय नहीं है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे साथ चलिए, प्लीज।
मुझे नहीं मालूम ये सब कब हुआ कैसे हुआ, लेकिन तुम्हारी शादी तोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं था। प्लीज हम जानते हैं शैना जी, और हम ये भी जानते हैं कि राजवीर सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। हाँ हमें बुरा लग रहा है, पर हमारा यकीन मानिए, हम आप दोनों के बीच में नहीं आना चाहते। राजवीर बहुत परेशान है, उनके परिवार वाले और हमारे परिवार वाले, उनकी वजह से वो ना मुझे छोड़ सकते और ना ही आपको अपना सकते, इसीलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। क्या किया उसने? बोले ना प्लीज, क्या किया उसने? वो अंदर है। समझ नहीं पाया, मैं अपने आप को नहीं समझ पाया, इस रिश्ते को नहीं समझ पाया। प्यार है, अगर मुझे चाहते हो, मुझे समझते हो, तो प्रॉमिस करो फिर ऐसा कभी नहीं करूंगा। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। हेलो बेबी, यू नो एक गुड न्यूज़ है, हमें एसआई एंड बटन कॉस्मेटिक का ऑर्डर मिल गया है। गुड, मैं तुम्हें सुबह फोन करूंगी, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं यहां पे, सोने दो ना प्लीज। सॉरी बेबी, बट आई हैड टू कॉल यू दिस टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट काम है और हमें 10 दिन के अंदर पहला कंसाइनमेंट डिस्पैच करना है, वरना यू नो बैंक अपनी गारंटी वॉइड कर देगा, एंड फॉर दैट उसके लिए हमें आज ही प्रोडक्शन शुरू करना पड़ेगा। पता है क्या राजवीर, मेरा ना सर फटा जा रहा है, मैं सुबह बात करते हैं ना प्लीज। लेकिन बेबी अभी इंडिया में तो 4 बजे हैं, एंड कौन सा ऑर्डर पहले कब मैन्युफैक्चर करना है, कितना करना है, उसके लिए तुम्हारा वो सिग्नेचर चाहिए ना। बट हाउ इज दैट पॉसिबल, यू फाइंड अनदर वे आउट, चल बाय। कैसी लगी बेबी? थैंक यू बेबी। बेबी तुम्हें पसंद आई ना, बस है। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए वहां से ये शर्ट लेकर आई। वाओ माय गॉड, कितनी डैशिंग लगेगी तुम पे। सॉरी लड़कियां रहेंगी, बट इट्स ओके, आई ट्रस्ट। मैं तुमको सब कुछ देना चाहती हूँ, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। मुझे बस तुम चाहिए। वर्षा। यस मैम। मेरे फोन क्यों बंद है? पता नहीं मैम। तो पता करो स्टूपिड। मैम एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है तो मैं उन्हें हैंडल कर रही हूँ। तो मुझे क्यों नहीं बताया गया? Why the hell was I not informed? मुझे नहीं पता शायद। मैम 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 प्लीज मैम, मिस्टर खन्ना एक मिनट, आई नीड टू स्पीक टू यू, आई नीड टू।
मिस शायना सबरवाल, मैं अभी बिजी हूँ, आप बाद में अपॉइंटमेंट लेके आइए प्लीज। हमें किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। ये क्या तरीका है बात करने का, बाद में आइए। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, न्यू दिल्ली। आपके नाम का वारंट है। मैंने किया क्या है? आपने आपके पावर और पोजीशन का मिसयूज किया है और कंपनी फंड में 15 करोड़ का फ्रॉड किया है। What? क्या बात कर रहे हैं आप? बाकी बातें ब्यूरो में चल के होंगी, प्लीज चलिए। There has to be some अब छोड़िए। नहीं, there has to be some misunderstanding। मेरा करियर, मेरी पोजीशन, मेरा रेपुटेशन, सब कुछ एक आईने की तरह टूट कर मेरे सामने बिखर गया था। फ्रॉड, फॉर्जरी, कंपनी फंड्स की हेरा फेरी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं औरों को क्या समझाती? No one was ready to believe that I was innocent। मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, I need my lawyer। कितनी बार कहूंगी मैं आपसे? Mr. Desai, what the hell is happening? आपने कुछ पता लगाया? आपका केस बहुत ही वीक है। मैंने किया क्या है? I mean, you can ask Rajveer। जो भी ट्रांसैक्शंस हुए हैं वो आपके ऑफिशियल ईमेल अकाउंट से हुए हैं। तो उससे साबित क्या होता है? उनके पास प्रूफ क्या है? तुमने किसी को अपने लॉगिन आईडी या पासवर्ड दिए हैं? मैं अपना लॉगिन पासवर्ड और मेरा ईमेल आईडी किसी को क्यों दूंगी? दैट्स माय कॉन्फिडेंशियल डेटा। सोचो, ऐसा कोई भी इंसान जिस पर तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस हो। थिंक शायना, थिंक। ऐसा कोई भी इंसान जिस पर तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस हो। थिंक शायना, थिंक। तो तुम ईमेल कर दो ना मेरे आईडी से। हाँ बेबी, लेकिन मैं कैसे करूं? chinasabharwal@blendon.com, password iwillican@32, and I love you। अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, चलो गो बाय। Yeah, love you too। राजवीर ने मुझे फंसाया, राजवीर ने मुझे फंसाया। सर, क्या मुझे आपके ऑफिस में जॉब मिलेगी? सच कहूं, मुझे तो यकीन ही नहीं था कि हमारा ये प्लान सक्सेसफुल होगा। ऑल थैंक्स टू मी। आई टोल्ड यू दिस इज द ओनली वे टू बिल्ड द कैट। करो यार, पागल हो तुम? पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। राजवीर, कैसे होगा? क्या एक बार सुनो तो मैं क्या कह रही हूँ। क्या इम्प्रेस हो? कुछ करो ऐसा जिससे वो तुमसे इम्प्रेस हो जाए। उसको इम्प्रेस कैसे करूं, लोग उससे बात करने में भी डरते हैं। एक प्लान है। क्या प्लान? तुम उसके कंप्यूटर से जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा है ना, सब कॉपी कर लो। तुम्हारे कहने का मतलब है मैं उसका सारा डाटा उड़ा दूं वायरस से और फिर उसको रिस्टोर करने में उसकी मदद करूं? एग्जैक्टली। My computer hard drive crashed। मैम, अगर आप मुझे एक्सप्लेन करेंगी कि कौन से पॉइंट कवर करने हैं तो मैं रेडी कर लूंगा मैम। लेकिन मैं उसके साथ फिजिकल कैसे हो जाऊं यार? I mean, किसी औरत को बिना किसी वजह के छूना, इट्स फिर तुम्हारे प्लान के मुताबिक शायना का हीरो बनने की प्लानिंग शुरू हुई। शायना चाहती है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं और उसको अपना, ये मुझसे नहीं हो। अपना लो,
लेकिन बिना मुझे छोड़े। शाइना सबरवाल को सबक सिखा, ये तो मैंने 6 साल पहले ही तय कर। मैंने तुम्हारा दिल और ईगो दोनों तोड़ दिया, इसके बाद तुम मेरी तो क्या किसी की भी इंसल्ट नहीं कर पाओगी। हमने हाई कोर्ट में रिट पेटिशन फाइल कर दी है और तुम्हें जरूर जल्दी बेल मिल जाएगी। वी कैन फाइट दिस केस अगेन टुगेदर। तुम्हें जरूर बेकसूर साबित कर दिया जाएगा। राजवीर के खिलाफ हमें ठोस सबूत मिले हैं। जिस कंप्यूटर से उसने ईमेल भेजे हैं उसका आईपी एड्रेस दिल्ली का है, जबकि तुम ऑस्ट्रेलिया में थी। राजवीर इस बार बच नहीं सकता। सजा तो मुझे ही मिलनी चाहिए, गलती तो मेरी है ना। मैं तुमको सब कुछ देना चाहती, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। मुझे बस तुम चाहिए। आज पता चला क्यों लोग कहते हैं कि डोंट फॉल इन लव, आई फेल इन लव। कहते हैं प्यार से दिया हुआ तोहफा लौटाया नहीं करते। राजवीर ने मुझे तोहफे में धोखा दिया है। मैं लौटाना नहीं चाहती, मैं लड़ना नहीं चाहती। इश्क ही झलक है, इश्क ही ज़मी है, इश्क ही फलक, इश्क है। शाइना ने दूसरी बार इश्क में किस्मत आजमाई थी, लेकिन बदले में उसे धोखा मिला। उसका करियर, रेपुटेशन और जिंदगी तीनों तबाह हो चुके थे, लेकिन फिर भी उसने राजवीर को माफ कर दिया। रंजीता और राजवीर की साजिश ने शाइना के दिल के साथ साथ उसके भरोसे को भी तोड़ दिया। वजह कितनी ही बड़ी क्यों ना, अपना बदला पूरा करने के लिए किसी के जज्बातों के साथ खेलने का हक किसी को नहीं। शाइना ने अपनी जिंदगी अपने असूलों पे जी और इश्क में धोखा खाने के बाद भी उसने इन असूलों का दामन नहीं छोड़ा, चाहे इसके लिए उसे अपने इज्जत और शौहरत की कीमत ही क्यों ना चुकानी पड़े। आप सोच रहे होंगे से झूठे इश्क की कीमत कौन चुकाता है, लेकिन आप भूल रहे हैं शाइना का इश्क झूठा नहीं।